फ्रेंड्स, मैं हूँ रक्षा और रक्षा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको मूंग की दाल बेहद आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगी और इसमें खास बात ये है कि हम दाल को फ्राई भी नहीं करेंगे, सिंपल सी बनाएंगे और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे इस दाल का टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस दाल को एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बनाएं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारी चैनल रक्षा की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन दबा दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ली है मूंग की दाल। मूंग की दाल आपने लेना है जितनी आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इतनी मूंग की दाल ली है। और जो सबसे पहला हमारा काम है, आपको कुकर में करीब 3 गिलास पानी थोड़ा सा हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम दाल कुछ दूसरे तरीके से बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले कुकर में पानी ले करके गैस में गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने जो मूंग की दाल निकाल के रखी थी उसको हम कुकर में डाल देंगे और हम पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे जब तक हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। और अब हम पानी को खोलने तक इसको खुले में ही पकाएंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि हमारे गांव में पहले कुकर नहीं हुआ करते थे। दाल को भगोने में खुले में ही ऐसे बनाते थे बिना कुकर के, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती थी। हम भी कुछ इसी तरह से बनाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली कुकर को सीटी मतलब ढक्कन को बंद करके जैसे नॉर्मल दाल बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। तो हमारी जो दाल है अच्छे से खोलने लगी है, तो अब हम इसमें ढक्कन या प्लेट की मदद से इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देंगे, करीब 1 से 2 मिनट के लिए। तो 1 से 2 मिनट बाद हम इसमें कुछ शुद्ध घी डाल देंगे। तो जमा हुआ शुद्ध घी था तो हमने ऐसे ही डाल दिया है क्योंकि गर्म पानी में जा करके वो मेल्ट हो जाएगा। तो हम फिर से इसको ढक करके रख देते हैं और हम बीच में करीब 2 से 3 मिनट बाद फिर एक बार दाल को बीच बीच में चलाते जाएंगे। तो खुले में ही दाल बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। कुकर तो अब चलने लगे हैं, पहले के ज़माने में लोग ऐसे ही बनाते थे। तो अब हम ज़्यादा उफान पर है तो हम प्लेट को इस तरह से ढकेंगे कि कुछ खुली रहे ताकि जो पानी है बाहर ना आए। अब हम इसमें जब हमारी दाल आधी पक जाएगी तो हम इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे। आपको यहाँ पर हल्दी ज़्यादा नहीं मिलानी है क्योंकि हम इसमें अभी कुछ और मिलाने वाले हैं, इसका कलर आपको येलो नहीं ज़्यादा रखना है। तो हम फिर से ढक्कन ढक देते हैं और अब देखिए हमारी दाल बिल्कुल बन करके रेडी हो गई है। काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, दाल हमारी गल चुकी है। पूरी दाल बनने में करीब 10 मिनट का समय लगा है। तो हम दाल को अलग रख देते हैं। जब तक हम यहाँ पर हरी धनिया लेंगे और हरी मिर्च लेंगे, कुछ हम लहसुन लेंगे। लहसुन में हम 5-6 लहसुन को धनिया के साथ अलग रख देते हैं और 5-6 लहसुन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और इनको हम अलग रख लेंगे। और हमने जो धनिया मिर्च और लहसुन अलग निकाल के रखा है इसको हम सिलबट्टे की मदद से या मिक्सी की मदद से अलग से पीस करके रख लेंगे। तो हम यहाँ पर मिक्सी की मदद से इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमने चटनी का रूप इसमें पीस लिया है, चटनी के जैसे। तो इसको हम एक अलग कटोरी में निकाल लेते हैं। इसमें हम पानी डाल करके सारा समेट करके इसमें एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने धनिया के कुछ दाने लिए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। तो अब हम एक गैस में, यहाँ देखिए हमारी दाल में जो हमने चटनी बनाई थी हरी धनिया का, इसको हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल का कलर बिल्कुल हरा ग्रीन हो चुका है। तो अब इससे कई गुना टेस्ट बढ़ जाएगा। जो हमने धनिया मिर्चा और लहसुन का पेस्ट डाला था इसमें, अब हम एक तड़का पैन लेंगे, उसमें हम शुद्ध घी डालेंगे और घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो जब आपका घी अच्छे से मेल्ट हो जाए और घी कुछ गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। तो हमारा घी देखिए गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा जब चटकने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे जो हमने लौंग ली थी। हमने 3-4 लौंग लेना है यहाँ पर,
लौंग से बघार लगाना है और लहसुन डालेंगे कटा हुआ, और जो हमने धनिया के दाने लिए हैं उनको भी हम डाल देंगे। और बस हमारे जीरा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। तो यहाँ पर हम दाल को फ्राई नहीं कर रहे हैं, केवल तड़का लगा रहे हैं, और हम इस तड़के को दाल में डाल देंगे। और ऊपर से कोई भी प्लेट आप ढक दीजिए ताकि इसका जो धुआँ आता है वो दाल में ही बैठ जाए, इसकी खुशबू दाल के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप एक बार दाल बना लेंगे तो आप रियली कहेंगे कि वास्तव में ये दाल बिना फ्राई किए ही इतनी लाजवाब, इतनी हेल्दी, बहुत टेस्टी लगेगी। क्योंकि मूंग की दाल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। जिन लोगों को दाल, मूंग की दाल मोस्टली लोगों को पसंद नहीं होती है, अगर वो इस तरीके से बनाएंगे तो उनको बहुत ही अच्छी दाल लगेगी। तो आप देख सकते हैं, तो हमारे यहाँ दाल कुछ पतली खपती है। अगर आप गाढ़ी दाल खाना पसंद करते हैं तो पानी कुछ कम डालें। और अगर आप खुले में दाल नहीं पकाना चाहते, झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो आप नॉर्मल जैसे दाल बनाते हैं कुकर में वैसे बना लें, और हरी धनिया का जो पेस्ट हमने डाला था वो डाल दें और इस तरह से बघार लगा दें। फिर देखिएगा कमाल, कैसे आपको ये दाल कितनी अच्छी लगती है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।